लेट्स गो, ये रहा हमारा वूली। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोग का आज शुभेश की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले वापस से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हमें बनानी है एक पूरी की पूरी फैक्ट्री। बिल्कुल सही यार, मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि हमारे पास वूल नहीं है, तो आज हम लोग बनाने वाले एक वूल फैक्ट्री। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना गाइस, 1,00,000 लाइक का गोल है, जल्दी से जाओ लाइक वाला बटन दबाओ। जो भी नए हैं सब्सक्राइब करो गाइस। बाकी चलो फटाफट चलते हैं और बनाते हैं इस वूल फैक्ट्री को। तो आज बहुत ही ज्यादा अलग जगह से स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली मैं ज्यादातर अपने लाइक ट्री हाउस से स्टार्ट करता हूँ, बट मैं लास्ट टाइम लाइक यहाँ पर था, तो इसके लिए मैं यहीं से स्टार्ट कर लिया अभी। बट यस, देखो आज हम लोगों को एक पूरी की पूरी फैक्ट्री बनानी है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची मेरे को ऑलरेडी पता है कि भाई हमें बहुत सारा टाइम लगने ही वाला है इस चीज़ को बिल्ड करने में। क्योंकि पहली बात तो यार कि मेरे को 16 के 16 अढ़ाई वाली चाहिए। है भाई और भी है क्या यार, इतने ही है पूरे भाई? रुको, ये तो भाई यार सोने पे सुहागा हो गया। रुक जाओ भाई, लीड दे दो, 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 कहीं पर है लीड, ये रही लीड, और लीड है तो और दे दो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं और ले लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर और लीड है तो मुझे दे दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कितनी भी लीड ले लूँ भाई। लेट्स गो, सबसे पहले ये सारी की सारी बकरियों को पकड़ो, ठीक है? इनको हम लोग पकड़ के इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आओ, दोनों आओ मेरे साथ आओ, फटाफट आओ। अरे तुम यार खाते रहोगे क्या खद्दू बकरियाँ, इधर आओ। और एक और देखी थी मैंने कहीं पे, अबे यार इनसे एक स्टेप नहीं चढ़ा जाता क्या? इधर को आओ भाई, मैंने एक और देखी थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। इन बकरियों को ना अभी के लिए हम लोग, अरे एक और है भाई, कितनी बकरी है यार, ये तो दिन बन गया मेरा भाई। हम लोग को लिटरली एक वूल फार्म बनाना है और हम लोग वर्ल्ड में एंटर करते हैं। मैं बोलता हूँ गाइस यार वेलकम बैक हो गया, और हम लोगों को यहाँ पे बकरियाँ मिल गई भाई। मेरे को तो लग रहा था भाई कि कितना, मेरे को कम से कम 15-20 मिनट तो लगी जाएंगे बकरियाँ ढूंढने मेरे को। इनको यार मेरे को बांधना तो है इनको किसी चीज़ से, बट यहाँ पे बांधा तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये पता चला अंदर को चले गए या फिर नहीं जाएंगे शायद, नहीं। अबे ओके, ये थोड़ा अजीब सा था, बड़ बढ़िया है, अंदर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। इनको मैं क्या करूँगा ना, इनको मैं खिलाते रहूँगा, लाइक मेरे पास आई गेस पड़े होने चाहिए, इनको मैं खिलाते रहूँगा। और भाई यहाँ पर हम लोग आराम से ब्रीडिंग करेंगे, हमें कम से कम 16 बकरियाँ तो चाहिए, ठीक है? वो बात की बात है, अगर हम लोगों को लगता है कि और ज़्यादा हम लोगों को लाइक एक ही कलर की बनानी पड़ेगी, बट अभी के लिए एटलीस्ट हम लोगों को 16 बकरियाँ तो चाहिए ही चाहिए होंगी, राइट? अरे यार मैं भी तो गधा हूँ, मैं यहाँ पर तोड़ने आ रखा हूँ भाई इधर पे, जबकि मेरे पास एक पूरा का पूरा लाइक ऑटोमेटिक वीट फार्म है। बट रुको जरा, इसको लगा देते हैं। और यार मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, आई एम रियली सॉरी गाइस, यार बहुत टाइम से हम लोगों ने एक चीज़ नहीं करी है, कमेंट। अभी जाके कमेंट करो क्या है वो, इससे पहले कि मैं बोलूँ जितने भी भाई मेरे एकदम देखने वाले बंदे हैं ना, जो भाई बिल्कुल एकदम दिल से देखते हैं वीडियोस को मेरी, उनको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जल्दी से जाके कमेंट करो कि क्या होगा जो मैं भूल गया हूँ। बहुत टाइम से मैंने सर्वाइवल वीडियोस में करा नहीं है, बट मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ अभी। इससे पहले कि मैं करूँ, तुम लोग बोल दो भाई, ठीक है? ये सारा का सारा मैं डाल देता हूँ। तो गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं सुबह सुबह, बिल्कुल सही दोस्तों। ओए इतनी नहीं भाई, एक से अपना काम बन जाएगा, राइट? दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? हम लोग खाएंगे अपने फार्म की ताज़ी ताज़ी ब्रेड और पियेंगे गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध। बिल्कुल सही भाई, बहुत टाइम से नहीं करा था ये चीज़ मैंने, फटाफट से इसको खाते हैं, देर वी गो। और उसके बाद गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध, अब होगी ना मॉर्निंग एकदम मस्त वाली। चलो ये सारा का सारा काम तो हो गया, हम लोगों ने शीप भी बना दी, लाइक बना दिए बोलो, शीप भी हम लोगों ने बांध दिए वहाँ पे। अब हम लोग इनको थोड़ा खिला के लाते, ताकि हमारी शीप और भी ज़्यादा शीपें पैदा करे, देर वी गो, ठीक है? ये मस्त करके छोटी छोटी शीपें यहाँ पे पैदा करते रहेंगे, मैं बार बार आके करते रहूँगा लाइक यहाँ पे काम धंधा। वैसे कायदे से देखा जाए तो मैंने इनको, ओ भाई एक और शीप है यार, कायदे से देखा जाए तो मैंने इनको बंद कर देना चाहिए एक जगह पर, और वो परफेक्ट एरिया है, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि हम लोग, भाई कितनी शीप है यहाँ पे, एक और शीप है यार। यार रुको यार, एक काम करते हैं गाइस, सुनो, खाली वो नहीं लेते, चांस नहीं लेते, वो देखो वो छोटी बच्ची ही भाग जाएगी, तो इसलिए हम लोग चांस नहीं लेते। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बना रहा हूँ जहाँ पर हम लोग अपनी सारी की सारी शीप्स को ब्रीड करेंगे, ठीक है? हाँ शीप्स, ना कि गोट, बकरी बोलता हूँ मैं हिंदी में इनको हर बारी, और फिर थोड़ी देर बाद कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से भाई। और बाकी गाइज, अगर तुम लोगों को मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड दिल से पसंद है ना भाई, अगर तुम्हें फ्लीट किंगडम बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो भाई प्लीज लाइक वाला बटन दबाना, मैं देखना चाहता हूँ इस बार 1,00,000 लाइक पूरे के पूरे। और बिकॉज वीडियो की स्टार्टिंग में जाते ना थोड़ी ज्यादा खुशी होती है कि हाँ भाई अपनी जनता है जब बिल्कुल बैठी हुई है कि लाइक तो हम ही मारेंगे वाली चीज होती है, वो सबसे कूल होती है भाई। लेट्स गो, चलो ये हो गया ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको डबल फेंसिंग करेंगे, सीधी सी बात है हम लोगों को इसको डबल करना ही पड़ेगा वरना वो लोग भाग जाएंगे यहाँ से। अब हम लोग, मेरे पास और नहीं है ना ये, बट कॉबल स्टोन है मेरे पास। अब लास्ट वाली बिल्ड के बाद मैंने लिटरली कुछ भी नहीं करा इस वर्ल्ड के अंदर, मैं और दिन वरना कुछ ना कुछ तो कर ही रहता हूँ, लाइक थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे रहता हूँ, बट इस बार ही मैंने सच्ची में इस वर्ल्ड को छुआ नहीं, क्योंकि लास्ट कुछ दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गए थे भाई, कुछ ज़्यादा हेक्टिक भाई, मुंबई मुंबई के पुष्कर के बहुत चक्कर लगे, बहुत अलग अलग चक्कर लगे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। अभी फटाफट से नहीं 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 मेरी यार वो चले, अरे नहीं गई, ओके नाइस। पर एक मिनट, बाकी की बकरियां कहाँ है? अबे बकरी चले गई क्या नीचे? अबे यार बकरी चले गई भाई, आओ छोटी बकरी रानी तुम ही आओ, अब आओ दोनों आओ। अबे बकरी कौन डाल देता है भाई नीचे? भाई वो कैक्टस फार्म के नीचे बकरी डाल दी, इसका मतलब क्या वो मेरे सॉर्टर सिस्टम में वो बकरियां होंगी भाई। यार गधा ही हूं मैं यार, अरे ये हटाओ यार हाथ से 2 सेकंड के लिए। ये गधा हूं भाई, मैं गधा हूं, मैं हूं ही गधा, मैं तो मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं ये चीज भाई, क्या बताऊं यार, क्या बेवकूफी वाली हरकत नहीं हुई ये। गाइस इसी के साथ फाइनली हम लोगों ने काफ़ी सारी बकरियां इसके अंदर बंद कर दी हैं। और रुको जरा एक मिनट, मैं इनको ना खिला के भी लाऊं, काफ़ी टाइम से खाना वाना, तो एक काम करते हैं यहां पर ना इन लोगों को थोड़ा सा, देयर वी गो, इन लोगों को थोड़ा सा वीट देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। तो ये क्या करेंगे, ये और ज़्यादा ब्रीड करेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बच्चे भी बड़े हो चुके हैं भाई इनके। ये लो खाओ 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 सारे खाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाओ 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 ठीक है, करो ब्रीड करो भाई। 16 बच्चे कम से कम चाहिए मेरे को ठीक है, मैं नहीं मानता 16 से पहले, मैं नहीं मानूंगा ठीक है। चलो बढ़िया ठीक है, ये हो गया, बाकी अपना सारा का सारा फूड हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। हम लोग ना काफ़ी सारे लाइक लेके आ गए और बाकी ये ब्रीड भी हो चुके हैं, बट अब हम लोगों को बनाना स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी फैक्ट्री। तो सबसे पहले काम जो हम लोग करेंगे वो होगा एरिया को क्लियर करना। देखो मेरे दिमाग में जो चल रहा है कि फैक्ट्री हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये पहले इसको फेंको यार ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाने वाले, देखो ये इसके पीछे छुपनी नहीं चाहिए फैक्ट्री राइट, तो हम लोग फैक्ट्री को यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं इस साइड का नहीं काटूंगा, इस साइड तुम लोग समझ रहे हो क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाइक मेरे को याद रहेगा ना ऐसे में कि मेरे को कहाँ से बनाना स्टार्ट करना है सारी की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अभी के अभी इसको पूरा का पूरा मैं पहले तो ये वाली सैंड क्लियर करता हूँ जो मैंने लगाई थी फॉर कैक्टस, और उसके बाद हम लोगों को ये जितना एरिया है, ये दिख रहा है ना बहुत बड़ी भाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक फैक्ट्री है राइट। मैंने बोला फैक्ट्री तो इसका मतलब इसमें पूरी कन्वेयर बेल्ट होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, मतलब बेसिकली मेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए राइट, सामान निकालते टाइम मेरे लिए ईजी होना चाहिए थोड़ा सा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, देखो हम लोग यहाँ पर से एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर से मान लो कि हम लोग फैक्ट्री बनाना स्टार्ट करने वाले जहाँ पर एक गड्ढा है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ से अपनी फैक्ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माइनक्राफ्ट में टोटल 16 कलर की डाइज होती है, तो हम लोग को 4x4 16 टाइप की डाई बनानी पड़ेगी, यहाँ पे डाई नहीं बेसिकली मतलब 16 टाइप के शीप्स को रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग एक जो बनता है ना, एक लाइक एक शीप जब होगी तो वो कितना लेगी उसके हिसाब से बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो एक शीप लेगी 3 राइट, 1 2 3 और 1 2 3 राइट, ये हो गया अपनी एक शीप इतना लेगी राइट। फिर उसके बगल में हम लोग एक की जगह छोड़ेंगे, हमें यहाँ पर घुसना नहीं है बीच में ठीक है, हम लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 करके पूरा का पूरा बना देंगे। ये हमारे 4 शीप के स्टेशन हो गए राइट, ऐसे करके हम लोग इसको पूरे 4 बनाएंगे इस साइड को ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, वैसे मेरा मन था कि 8 इस साइड बना देते और 8 उस साइड बनाते और बीच में हम लोग कुछ बनाते, बट ठीक है कोई नहीं। अभी हम लोग क्या करने वाले, देखो 1 2 3 ऐसे, फिर 1 2 नहीं रुको रुको माय बैड रुको ऐसे नहीं ऐसे पता है बहुत गलत हो जाएगा कुछ, रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या करेंगे हम लोग। बेसिकली ये करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे बीच में चलने की जगह छोड़ेंगे, 1 2 3 3 की जगह छोड़ेंगे, फिर 1 2 3 हम लोग इन दोनों के बीच से चलेंगे, फिर यहाँ पर हम लोगों को चलने की जरूरत है, फिर हम लोग इन दोनों के बीच से चलेंगे 1 2 3 छोड़ के, फिर हम लोगों को 1 2
सही है ना ये? हाँ, 1, 2, 3 की वॉकिंग स्पेस होगी, फिर इन दोनों के बीच में हम लोगों को जगह नहीं चाहिए, फिर हम लोगों को इन तीनों लाइक इन दोनों के बीच में थोड़ी सी चलने की जगह चाहिए होगी, तो हमारे टोटल 4x4 के स्टेशन रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली चाहिए इतनी जगह, देखो अगर देखा जाए तो, है ना, यहाँ इस ब्लॉक से लेके उस ब्लॉक तक की हम लोगों को जगह चाहिए फॉर शीप्स ओनली, यहाँ पर हमारे शीप के मैकेनिज्म्स आएंगे। उसके बाद हम लोगों को इस साइड चाहिए होगी हमारी कन्वेयर बेल्ट, जो कि हमारा सारा का सारा सामान लाके हमें देगी। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इसमें एक आइटम सॉर्टर भी लगाएंगे, ताकि अलग अलग कलर की डाई अलग अलग जगह पर आए, ना कि एक ही जगह पर सारा का सारा सामान आ जाए। तो हम लोग वो चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, अभी वो चीज़ आगे करेंगे, बट अभी हम लोगों को क्या करना है वो देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अभी ये कर दिया, अब नीचे इसके पूरा एक सिस्टम लगाऊंगा मैं, जिससे कन्वेयर बेल्ट से सामान आएगा और फिर सारा का सारा सामान यहाँ पर चेस्ट में आ जाएगा, राइट। तो मान लो अभी के लिए हम लोगों को इसको यहाँ तक तो एटलीस्ट बनाना पड़ेगा, राइट, यहाँ तक का, या फिर इससे भी हम लोग थोड़ा और आगे बना सकते हैं। हम लोगों को 16 आइटम सॉर्टर बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक काम हो जाएगा, बट ठीक है भाई, अभी कर रहे हैं ना तो बनाएंगे भाई, प्रॉपर फैक्ट्री बनाएंगे, कन्वेयर बेल्ट सब कुछ एकदम खतरनाक बनाएंगे। अब एक काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको बराबर करते हैं, ठीक है, इसके बराबर, इसकी हाइट के बराबर इसको लेके आते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा, यहाँ से नहीं एक्चुअली, ये तो वो है ना एरिया है, यहाँ से हम लोग इसको लाइक फैक्ट्री को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इसको पूरा एक हाइट करते हैं, ठीक है, देयर वी गो, और ये फैक्ट्री पूरी यहाँ तक चलेगी, राइट, यहाँ से फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो इसको पूरा एक आउटलाइन जैसी बना देते हैं, और इस पूरे एरिया को हम लोगों को इसी हाइट पर लेके आना है। तो मेरे को 2 मिनट दो गाइस, मैं आता हूँ आधे घंटे में, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए तो सेकंड्स होंगे। गाइस यार, नेक्स्ट टाइम हम लोगों का जो होने वाला है वो होगा, हम लोग अपना जो खाली है, खाली कौन सा वाला है ये, अबे कोई भी खाली नहीं है, तो हम लोग को एक खाली लेके आना पड़ेगा। अब शुल्कर चेस्ट मेरे पास, लाइक लिटरली मैं 3 शुल्कर चेस्ट लाया था, सोचा था 3 कहाँ से भर जाएंगे भाई, अब किसको पता था भाई ऐसा होने वाला है। चलो अभी हम लोग क्या कर, ये क्या हो रहा है भाई, ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले यहाँ पर से खाली शुल्कर चेस्ट ले लेते हैं, देयर वी गो, 2, 3, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ग्लास लेके आना है, हम लोगों को ग्लास को अलग अलग कलर का बनाना पड़ेगा, वो तुम्हें पता ही है। तो हम लोग सबसे पहली चीज़ जो करेंगे लाइक बिल्ड करने से पहले, क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों को सारे बिल्ड्स बनाने हैं, उसमें हम लोगों को सारी की सारी बकरियाँ लेके आनी है, और फिर मैंने सोचा भाई जिस लाइक कलर की बकरी होगी ना, उसी कलर का मैं बाहर से ग्लास भी रखूंगा, ताकि दिखने का थोड़ा समझ में आए कि कौन सी बकरी है अंदर, क्योंकि ज़्यादातर बकरी जो होती है ना, उसके लाइक जो वूल होता है वो एकदम से निकल जाता है इसके अंदर, लाइक जैसी वो होगी तो वैसे निकल जाएगा, और सर उनका हमेशा सफ़ेद दिखता है। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अलग अलग टाइप की लाइक बकरियाँ पहले ही बना लेंगे विद लाइक डाई। पहले तो एक काम करता हूँ भाई, पता है क्या, बकरियां तो बनती रहेंगी भाई, वो जो बकरियां पैदा नहीं हुई है ना वो दिक्कत देगी हमें बाद में, क्योंकि हम लोग इतनी सारी बकरियां फिर पकड़ के लेके नहीं आ पाएंगे एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाके फटाफट से इनको पहले खिला देते थोड़ा सा, आओ आओ बकरियों, आओ आओ आओ, अरे मैं तो खुश हूँ भाई, तुम खाओ भाई, दबा के खाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो, मुझे 2 बकरी के बच्चे भाई, इतने बकरी के बच्चे दो, इतने बकरी के बच्चे दो कि मज़ा ही आ जाए बिल्कुल, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, देखो ये मस्त करके यहाँ पर अभी बकरी के बच्चे मेरे ख्याल से 16 से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं वहाँ पे, तो ये तो और अच्छी बात है, अगर 32 हो गए तो हम लोग हर एक को लाइक 2 कलर कर सकते हो, तो खैर बात की बात है, इतना ज़्यादा आगे की सोचते नहीं है अभी। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों को अब लाइक 12 बोल लो, पता नहीं क्यों 16 के 16 कलर्स लेके आने पड़ेंगे, अब समझ रहे हो, 16 के 16 कलर्स। देखो एक कलर तो हमारे सामने है जो कि है ग्रीन, फिर रेड हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हम लोगों के पास एक पूरा का पूरा आयरन फार्म है, रुको दूर वाले पे क्या ही जाना, पास वाले से देख लेते, लाइक ये भी आयरन फार्म बहुत सही काम कर रहा था लास्ट टाइम जब अपना वो चला रहा था ना, ये देखो भाई इसके अंदर एक बार पॉपी देख लो तुम लोग, हम लोगों को इतना ज़्यादा पॉपी चाहिए भी नहीं होगा, हम लोगों का हाफ स्टैक में अपना काम हो जाएगा, हाफ स्टैक क्या इससे भी कम में हो जाएगा वैसे तो, बट ठीक है, हम लोगों को पॉपी चाहिए होगा, हम लोगों को ग्रीन डाई चाहिए होगी, एक स्टैक ग्रीन डाई भी रख लेते, एक स्टैक की भी जरूरत नहीं है वैसे एक्चुअल में, मतलब बहुत ही कम, ब्रो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही ज़्यादा कम। अबे यार ये बकरी को निकालो पहले यहाँ से, आ जा जल्दी आ, मैंने क्यों करा होगा ऐसा बताओ तुम लोग, 2 बकरियाँ, बिल्कुल वाई नॉट, ये नहीं चाहिए मुझे कैक्टस, छुट्टे को राशा मुट्टे को राशा, या बुरे का शाह, हम लोग को लिटरली ज़्यादा चाहिए नहीं इतनी ज़्यादा, बट ठीक है अपना काम बन जाएगा, इससे कम भी बन जाएगा वैसे तो। मैंने यार ग्लास भी कहीं पे तो फेंका होगा यार, मेरे को ग्लास भी लेके आना पड़ेगा, आई थिंक हम लोग को एंड ही जाना पड़ेगा अभी ग्लास के लिए। चलो अभी तो निकलते हैं फटाफट से, हम लोगों को अभी और भी बहुत सारे कलर्स चाहिए, लाइक हम लोगों को येलो ची
वाओ, बोलते ही हम लोगों को ये दिख गया येलो में। तो येलो डाई भी हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लाइक एक कितने हम लोगों को मुश्किल से मुश्किल 8 ग्लास चाहिए होगा एक वो बनाने के, लाइक एक शीप का स्टेशन बनाने के लिए हमें 8 ग्लास चाहिए होगा। 8 ग्लास तुम्हें पता है एक डाई से बन जाएगा राइट, और फिर हम लोग को एक डाई चाहिए होगी शीप को करने के लिए। तो आई थिंक 5-5 से भी अपना काम आराम से हो जाएगा। अभी हम लोग को ऐसी करके 16 कलर जमा करने हैं, ठीक है, पूरे 16 कलर्स। तो देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या अभी इंस्टेंट में जमा हो सकता है। लाइक मेरे हिसाब से हम लोगों ने रेड कर लिया है राइट, हम लोग ब्लू बड़ी इजीली कर लेंगे, ठीक है। ब्लू व्हाइट अपने पास पड़ी हुई है, देखो ये बढ़िया हो गया, ठीक है। हम लोग ब्लू भी बहुत इजीली कर लेंगे, ग्रीन भी अपने पास पड़ी हुई है आई थिंक, ब्लू ये रहा ब्लू, ठीक है। लैपिस लजूली से निकाल लेंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ब्लू डाई भी अपने पास आ चुकी है। फिर लाइम वाइम तो हम लोगों को पता है कैसे बन जाएगी, ब्लू डाई और हम लोगों को क्या क्या चाहिए लाइक देख लेते ना क्या क्या चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है उनसे हम लोग निकाल। वो ग्रे डाई भी मिल गई हम लोगों को, देखो ठीक है, लाइट ग्रे डाई भी बन गई है अपनी। और इसके साथ लाइक हम लोगों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होने वाली है, मुश्किल होगी बस ब्राउन डाई ढूंढने में थोड़ी सी, क्योंकि ब्राउन डाई तुम लोगों को पता है सिर्फ कोको के ट्रीज से बनती है, लाइक उससे बनती है ना, कोको के सामान से। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लाइट ब्लू कलर बना लेंगे, ठीक है, 7 डाई 7 14। और उसके बाद हम लोग यहीं पे लाइट ग्रीन भी बना लेंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा लाइम ग्रीन कैसे बनता है, बट यार सारे के लाइम डाई बन गई लॉल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को और भी बहुत सारे कलर चाहिए, पिंक चाहिए होगा हम लोगों को, तो हम लोग अरे पहले तो पॉपी से डाई निकाल लो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8 ये भी बना लेंगे, ठीक है, हम लोग व्हाइट के साथ इसको मैच करेंगे। और अपना व्हाइट भी मतलब पिंक डाई भी आ चुकी है, हम लोग येलो डाई बना लेंगे, ठीक है। येलो के साथ आई थिंक हम लोग अगर ब्लू को मैच करते हैं तो कुछ बनता है राइट, नहीं ब्लू के साथ रेड को मिलाते हैं तो हमें पर्पल डाई मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 8 चाहिए राइट, तो हम लोग 8 ये कर लेंगे, 16 ये हमारी पर्पल डाई भी बन के आ गई है। फिर हम लोग पर्पल को व्हाइट के साथ रखेंगे तो नहीं ना, मेरे को लगा लाइट पर्पल भी कलर होता है। अभी देखो ऑलरेडी हम लोग ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी राइट, मैंने बस अपने हाथ इधर उधर मारे और हमको ऑलरेडी 8-9 कलर्स मिल चुके हैं, और हम लोग को सिर्फ 7 कलर्स और चाहिए होंगे, जो कि वो एक्चुअली एक मिनट रुको, हमें कितने 10 कलर्स हमें मिल चुके हैं। फिर हम लोगों को एक ब्लैक डाई चाहिए, ब्लैक डाई तुम लोगों को पता है भाई, ब्लैक डाई तो समुंदर में नहा रही है, 2 सेकंड दो जरा, ब्लैक डाई, ओ ब्लैक डाई जरा इधर तो आइए, ब्लैक डाई ये तो लीजिए जरा, देयर वी गो गाइस, ब्लैक डाई भी अच्छी, यार गंदे लोग भाई सॉरी यार, सॉरी भाई माफ कर भाई, ठीक है। बेचारा सिवोल है, वो अपनी जिंदगी जी रहा था शांति से, भाई मैंने बोला ब्लैक डाई, हेलो मिस्टर ब्लैक डाई इधर आइए, सॉरी यार सॉरी भाई, मेरे को लिटर मैं झूठ नहीं बोला, मेरे को सच्ची में बुरा लग रहा है इनके लिए भाई। देयर वी गो, अभी हम लोग, अरे यार एक ही दिया क्या, क्या गंदा आदमी है भाई, रुकियो जरा, अब देखो उसके भाई को भी मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा मेरे को, मैं मारना नहीं चाहता था, ये एक ही क्यों दे रहे हैं, इसमें लगी नहीं है क्या, अच्छा मेंडिंग हट रे, तभी तो नहीं दे रहे हैं वो मेरे को, इसमें वो लूटिंग लगानी पड़ेगी, लूटिंग 3। तो गाइज हम लोगों की जो डाई बच रही है वो मैं चेक करके आया हूँ अभी अभी, लाइक पूरा चार्ट देख के आया हूँ मैं डाई का, जो 16 डाई होती है, हम लोगों को ग्रे ब्राउन ऑरेंज सियान और मेजेंटा कलर चाहिए। भाई याद हो गई यार कसम से सारी की सारी डाई मेरे को ये बनाने के चक्कर में। देखो अब हम लोगों की ग्रे डाई तो बहुत ज़्यादा ईजी है राइट, हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस यहाँ पर इन दोनों को मारना है, हम लोगों की 4 ग्रे डाई बन के आ चुकी है राइट। लाइट ग्रे अपने पास पड़ी हुई है, एक और मार लेते, छोड़ो ब्लैक मैं दोबारा लेके आ जाऊँगा, ब्लैक तो बड़ी इजीली मिल जाता है राइट। उसके बाद हम लोगों को बनाना पड़ेगा सियान कलर राइट, हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ग्रीन लेना है और हम लोगों को ब्लू लेना है, देयर वी गो, ठीक है, 1 2 3 4 5 ओके ज़्यादा ही निकाल दिए बट ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ हम लोग ब्लू को भी यहाँ पे रख देते हैं अभी के लिए, यहाँ पर हम लोगों की कोई भी डाई 2 बार तो नहीं आ रही है, लाइट ब्लू आ रही है गाइस राइट, मेरे को पता था। अब हमारे पास कितनी डाई हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, 15 हुई है, माय बैड भाई, क्या गिन रहा हूँ मुझे नहीं पता, थोड़ी सी नींद के झटके ही पड़ेंगे ना भाई, अभी तो काम शुरू हुआ है सोचो, ठीक है। तो ये हो चुका है कितना हमारे पास, 7 14 15 हमारे पास हो चुकी है, सिर्फ एक डाई और बचती है, सोचो कौन सी डाई है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो मैंने बोला था सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगी ढूंढनी, क्योंकि मेरे पास जंगल बायोम मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर था, और था भी नहीं था वो भी कन्फर्म नहीं है एक्चुअली, बट ठीक है। अरे मेरी स्वर्ड कहाँ गई, ओके चलो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं और जंगल बायोम ढूंढते हैं, कि हम लोगों को चाहिए कोको बीन्स, कोको बीन्स के बिना हम लोग और लाइक ब्राउन डाई नहीं बना पाएंगे राइट, तो हम लोग को कोको बीन्स की जरूरत है। मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं फटाफट से जंगल बायोम ढूंढने की ट्राई करता हूँ, आई होप जल्दी से मिल जाए ताकि हम लोग ढेर सारा, और इस बारे में क्या करूँगा ना, जंगल का एक वो भी लेके आ जाऊँगा यार, पेड़ और कोको बीन्स भी लेके आ जाऊँगा, क्योंकि बार बार ब्राउन डाई कौन लेके आएगा राइट। वैसे मेरे पास एक डाई फैक्ट्री भी होनी चाहिए ऐसे कायदे से यार, जितनी भी डाई थी ना ये हम लोग बड़ी इजीली निकाल सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक मिनट, मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है, कोई तो कलर 2 बार है, कोई तो कलर 2 बार हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर तो है ही नहीं,
ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? मेरे पास कोई भी कलर दो बार नहीं है भाई, 17 कलर होते हैं क्या गेम में? या फिर मैंने कुछ उल्टा काम करा है? गाइस 17 कलर्स है क्या? क्योंकि देखो हमारे पास ऑरेंज नहीं है और हमारे पास वो भी नहीं है। ओ भाई ये देखो ना, हमारे पास ऑरेंज कहाँ है? ये मैंने अभी ऑरेंज निकाला, मेरे को येलो और चाहिए होगा बाय द वे, बट येलो तो पीछे ही पड़ा हुआ है भाई। येलो तो फ्री में मिलता है भाई, डैंडी लाइन हर जगह है भाई, येलो की हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, येलो तो हम लोग ऐसे ही ले लेंगे। बट मेन चीज़ है कि गेम के अंदर 17 कलर हो गए हैं, क्योंकि देखो ना मेरे पास 16 कलर्स हैं और सारे अलग अलग कलर्स हैं। ओए दुरट माँ, मुझे दिख रहा है माँ, मुझे जंगल, ओह मुझे कोको बीन्स भी दिख रहे इतनी दूर से भाई, मेरे को जंगल बायोम भी दिख रहा है और मुझे कोको बीन्स भी दिख रहे हैं। बेस्ट भाई बेस्ट, चलो इसको तोड़ते हैं फटाफट से, कोको बीन्स उठाते हैं। और बाय द वे मैंने ना रास्ते में थोड़ा बहुत लाइक मैथ्स कर लिया, मैं गधा हूँ वो तो मानना ही पड़ेगा, बट यस मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास दो बार पर्पल था भाई, मैं गधों की तरह, अरे मैं तो भाई साइंटिस्ट बंदा बन गया हूँ ऐसा सोच रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैंने गेम में 17वां कलर ढूंढ दिया, वाओ मैं तो बहुत बहुत समझदार आदमी लगता हूँ। एक ही कलर को दो बार लगा के 16 कलर हो गए, 16 कलर हो गए, क्या बताऊँ अभी यार क्या चल रहा है मेरे साथ भाई, दिमाग ही नहीं है भाई। जल्दी से फटाफट से ट्राई करते कि हम लोगों को एटलीस्ट एक जंगल का सैपलिंग मिल जाए और उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ सीधे, लाइक ओ जंगल का सैपलिंग ऑलरेडी मिल गया, वाडू है। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर के अंदर से और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जितनी भी डाई लेके आए हुए सारी की सारी डाई मैं अभी के लिए इसके अंदर डाल रहा हूँ। देखो ये करेक्ट 9 और 9 प्लस 16 हो चुकी है, 16 की 16 डाई अपने पास आ चुकी है। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हम लोगों को कांच लेके आना है, थोड़े ऑब्जर्वर लेके आने, थोड़े डिस्पेंसर लेके आने और उसके बाद थोड़े बहुत रेडस्टोन लेके आना है और उसके बाद थोड़े ग्लास लेके आना है, ग्लास को टेंट करना है। थोड़ा सा काम है बस, ज्यादा काम तो कभी करता ही नहीं मैं ज्यादा काम वाले पे तो हाथ खड़े कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं करूंगा ज्यादा काम, आ जाओ आओ आओ लो और बच्चे करो ये लो करो, इधर आओ सारे आओ आओ आ जाओ भाई आ जाओ, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस मेरे ख्याल से हो गए भाई, 16 से ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है हम लोग 16 ही बनाएंगे। गाइस हम लोग अपने सारा के सारा सामान लेके आ चुके हैं, ज़्यादा टफ नहीं था सारा, मोस्टली मेरे पास पड़ा ही हुआ था। बट अभी अरे यार एक तो मैं ये लगाना भूल गया यार, रुको जरा इसको ना एक कोने में जाके उगा के आ जाता हूँ, ठीक है ताकि ये लाइक बिल्ड के बीच में भी ना आए बट ये उग भी जाए, ठीक है बस हो गया। अपने को कुछ नहीं चाहिए, ये फेंक देते हैं अभी के लिए, चलो ठीक है ये अपने आप उगते रहेगा, बाद में हम लोग इसमें कोको बीन्स जाके उगा देंगे, लाइक कोको बीन्स लगा देंगे सारे के सारे। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो हम लोगों को सारे टाइप के ग्लासेस चाहिए होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है हमें सारा बिल्ड करना है तो हमें सारे टाइप के ग्लासेस चाहिए होंगे। और जरा एक चेस्ट लगा दूं मैं यहाँ पे नॉर्मल और इसके अंदर मैं बाकी का सारा सामान डाल देता हूँ। चलो गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि 1 2 3 तीन निकलेंगे, थोड़ा सा फनी है दिखने का बट ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सारे के सारे डाई का सिर्फ और सिर्फ एक कलर ले रहे हैं, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा क्यों, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबका एक एक कलर लेंगे, बस सिर्फ एक कलर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें, बाद में पता चला हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उसके लिए हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। इसको हटा दो यहाँ से, बस हो गया एक एक कलर सबका ले लेंगे, इसका भी सिर्फ एक ही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को अपने ग्लास को ऐसे करके रखना है, ठीक है, सारे के सारे ग्लास को, जितना भी अपने पास ग्लास है, जो कि कम पड़ गया है टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरे हिसाब से, नहीं एक्चुअली नहीं पड़ा है, ठीक है सब सही है, ठीक है। हम लोगों को सारे के सारे ग्लासेस का 8, ओ यस कम है हमें 9 ग्लास, नहीं ठीक यार मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ तो गलती करूँगा जो कि मैं अभी तक नहीं करी है, तो मैं खुद पे ऐसा हूँ हैं मैंने गलती नहीं करी है अभी तक। चलो ये हो गया येलो, उसके बाद हम लोगों को ब्लू भी रखना है अपने पास, फिर अपने को एक अपर और ब्राउन भी रखना है। भाई यहाँ पे प्लीज़ मेरे पीछे कोई क्रीपर आके मत फटना अभी प्लीज़ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को अभी से ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं आएगा भाई, अभी मैं सच्ची दिल से बोल रहा हूँ भाई, मैं तो चटका भी दूंगा भाई 2-3 के। अपने पास वो किसमें सिल्टच इसमें है, राइट, तो इसको हम लोग हैंडी रखेंगे एकदम। बाकी सारे के सारे ऑब्जर्वर को भी ले लेते हैं, रेडस्टोन तो अपने पास पड़ा ही हुआ है और चेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ओह गाइस चेस्ट में इतने सारे क्यों लाया था, मैं यही सोच रहा हूँ यार, मैं तभी सोची थी देर से कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे पास सारा का सारा सामान इतनी जल्दी आ गया, मैं हूँ ही गधा भाई। हम लोगों को चाहिए होगा ढेर सारा आयरन, ठीक है
तो हम लोग जितना ज्यादा हो सकता है तो ज्यादा लेके यहाँ से निकल जाते हैं। पहले तो इस आयरन का हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो कितने हम लोग को चाहिए 1-2 मतलब 16 चाहिए होंगे बेसिकली ये, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या बनाने वाले वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हम लोगों को चेस्ट को रखना है यहाँ पे, और पहले तो चेस्ट के बनाने हॉपर्स, ठीक है। अपने पास वैसे भी और भी बहुत सारे हॉपर्स पड़े होने चाहिए कहीं ना कहीं पे, वो मुझे याद, एक मिनट को याद नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने अपना जिसमें सारा सामान 25 हॉपर पड़े हैं भाई, 25 हॉपर, कोई मजाक की बात है। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये करना है एक हॉपर लगाना है, माइनकार्ट विथ हॉपर इज़ रेडी, ठीक है। हम लोगों को बस यही करना है अभी के लिए, एक हॉपर लगाना है, माइनकार्ट विथ हॉपर इज़ रेडी, ठीक है। और इनको हम लोग हॉपर्स माइनकार्ट विथ हॉपर को अभी के लिए इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसी करके मेरे को ढेर सारी माइनकार्ट विथ हॉपर्स बनानी है, तो गाइस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, बस 2 मिनट का, मैं फटाफट से माइनकार्ट विथ हॉपर बना के आता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने अभी के लिए दोबारा से वो प्लेटफॉर्म जो हमने तोड़े थे वो बना दिए, बट क्यों बनाया वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन द एंड काम खराब नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों का बेसिकली ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर सारी की सारी शीप्स होंगी जिनका लाइक वूल हम लोग लेंगे। तो देखो यहाँ पर बीच में चलने की जगह हो गई, ये हम लोग आराम से देखते हुए चल सकते हैं, यहाँ पर भी चलने की जगह हो गई, राइट। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस पूरी ज़मीन को इनको छोड़ के, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितना भी लाइक वो बने, जितना भी बिल्ड हो वो ग्रास पे हो, बट बाकी की सारी ज़मीन जो होगी ना इसको हम लोग ब्रिक से हम लोग चेंज कर देंगे। तो मेरे को 2 मिनट दो, इसको मैं पूरा का पूरा ज़मीन से उखाड़ के ब्रिक लाइक ब्रिक से चेंज करके मिलता हूँ तुम लोगों से। बाकी मैं यहाँ पर अभी के लिए वो भी लगा दे रहा हूँ, लाइक कॉबल स्टोन भी लगा दे रहा हूँ जस्ट इन केस, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली बचाते हुए चलना है, राइट, ज़मीन को, क्योंकि इन दी एंड जो हमारी शीप्स होंगी जब तक वो हमारा ग्रास नहीं खाएंगी तब तक वो हम लोगों को शीप का वो नहीं देंगी, लाइक वूल नहीं देंगी। तो हम लोगों को उनको लाइक अल्टीमेटली जितनी ज़्यादा हो सकती है तो ज़्यादा ग्रास खिलानी पड़ेगी। तो हम लोग इसको पूरा का पूरा ऐसे भर देते हैं अभी के लिए, देयर वी गो। अरे 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 खत्म हो गए क्या गाइस, चलो अब काम धंधा शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, मैंने इसको पूरा का पूरा लाइक कर दिया है, जैसे मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिजाइन भी करा है, बाद में इसमें हम लोग पानी वानी ये सारी चीजें भी डालेंगे, बट अब हम लोगों को स्टार्ट करना है बनाना, जो कि हमारा मेन काम है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे डिस्पेंसर रखेंगे जो कि सामने की तरफ को फेस कर रहा होगा, ठीक है। और इसको अब हम लोग थोड़ा सा तोड़ेंगे, ठीक है, वो अभी जुड़ दूंगा मैं वापस, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक ऑब्जर्वर, ये जो रेड वाला पार्ट है ना ये मेरी तरफ को होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको वापस से बंद कर देंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रेड स्टोन मार देंगे, और उसके बाद सामने से जो होगा यहाँ पर जब भी वो शीप कुछ खाएगी ना तो ये डिस्पेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए ये लगा रखा है हम लोगों ने। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, चलो येल्लो है ना अपने हाथ में, अबे यार ये लोग भी तो आ गए परेशान करने के लिए, ठीक है। तो येल्लो से स्टार्ट करते हैं, और इसके ऊपर भी मैं येल्लो लगा देता हूँ क्योंकि लाइक थोड़ा सा अच्छा दिखता है ना। देखो मैं तुम्हें दिखाऊँ एक बार, अगर मैं बाय चांस, ये देखा तुमने टिड़क जो हुई, ये इसी की वजह से हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ना वो मारा, शवल मारा, तो उसके बाद फिर वो ऐसा कर गया। अब हम लोगों को पहले इसको हटा के, अरे यार मैंने करके करा है, ठीक है ना, मैंने करके करा है वो, ठीक है। अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक शीप ला के रखनी है, और ज़्यादा कुछ ऐसा खतरनाक काम नहीं है। बस एक चीज़ और जो कि मैं एक्चुअली भूल गया था, लेकिन वो मैं लास्ट में बनाऊँ, मैं सबका लास्ट में बनाऊँगा, रुको जरा, जो कलेक्टिंग सिस्टम होगा ना वो मैं एंड में बनाऊँगा, और कैसे बनाऊँगा वो तुम लोग देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है वो, ठीक है। तो ये हो गया, देखो अभी के लिए हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे करके हमें सारे के सारे में मशीन्स भरते जानी है, और अलग अलग टाइप के कलर्स लगाते हुए चलने हैं, ठीक है। तो अपना येल्लो का काम हो गया, अब हम लोग इसको हटा देंगे, यहाँ पर एक डिस्पेंसर लगाते हैं, उसके बाद सेम चीज़ हम लोग इसके पीछे जाएंगे, और उसके बाद इसको हटाएंगे, और फिर एक ऑब्जर्वर ऐसे लगा के यहाँ पर से इसको ऐसे बंद कर देंगे, रेड स्टोन लेंगे, रेड स्टोन मारेंगे, और उसके बाद पर्पल, ये पर्पल पर्पल और एक पर्पल यहाँ पर, ठीक है। सेम चीज़ हम लोगों को हर जगह पे करनी है, ठीक है ना, हर एक बार हम लोगों को सेम टू सेम 16 बार रिपीट करनी है यही चीज़, और हम लोगों का भी वो भी लेके आने, लाइक सारे के सारे जितने भी छिपकंडे होते हैं ना हमारे, मतलब जितने भी हमारे ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको यार, वो चिलगोजे, मैं भूल रहा हूँ यार उनका नाम, शीप्स, जितनी भी शीप्स होती हैं हम लोगों को शीप्स को भी लेके, चिपकंडे, चिलगोजे, बहुत बढ़िया भाई, और लास्ट में बोला शीप्स, मस्त।
तो गाइज मैंने सारे के सारे जितने भी थे वो बना दिए हैं। लाइक अगर तुम लोग देखोगे तो ये एक तरह से कंप्लीट है, ठीक है, मतलब कंप्लीट इन द सेंस कि ये काम करने के लिए रेडी है जितने भी हैं। अब हम लोगों को बस एक छोटी सी चीज़ करनी है इसमें, हम लोगों को डालने पड़ेंगे सबके सबके अंदर लाइक शेयर्स रखने हम लोगों को, ठीक है। एक एक शेयर मैं अभी के लिए सबके अंदर डाल रहा हूँ, हम लोगों को इसमें लाइक रिफिल करते रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक बार ही अच्छे से प्रॉपर ना ढेर सारे शेयर्स बना के एक ही साथ डालूंगा, तुम टेंशन मत लो। बट अभी के लिए तो जितना इसमें कर सकता था मैं उतना कर दिया है मैंने। अब मेरे को सारे के सारे डिस्पेंसर्स के अंदर शेयर डालने हैं, बेसिकली जितने भी तुम्हें पता ही होगा यार, तुम लोगों ने भी अगर बाय चांस कभी भी ये वूल फार्म बनाया होगा तो उसमें, और ये इतना प्यारा लग रहा है ना भाई, हमारे पास लिटरली सारे के सारे कलर्स हैं यार, जितने कलर्स हो सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर उतने कलर्स की हम लोगों ने यहाँ पर अभी के लिए फैक्ट्री पूरी सेट कर दी है। बट अभी हम लोगों को पूरी कन्वेयर बेल्टें बनानी है, बहुत सारी चीज़ें बच रही है जो हम लोगों को बनानी है। बट रुको जरा ये करते हैं, ठीक है, इसके अंदर डाल दिए मैंने, सबके अंदर हो गए ना बाकी 16 के 16 भर दिए मैंने, हाँ सारे के सारे भर दिए, बढ़िया। तो अपने सारे के सारे रेडी, देखो दिखने का ही कितना ज्यादा कूल लग रहा है, एक बार ये देखो भाई तुम्हें मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो ये दिखने का ही कितना ज्यादा मस्त सा नहीं लग रहा है एकदम भाई, कि क्या बना दिया है भाई, सारे कलर्स हैं यहाँ पे देख रहे हो, जितने कलर्स माइनक्राफ्ट के अंदर, भाई यार बहुत ज़्यादा कूल। बट अब हम लोगों को क्या करना है वो मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। हम लोगों को अभी इसको अभी तो अभी के लिए ये पूरा का पूरा हम लोग अपना निकाल लेते हैं जितना सामान था। अब देखो नेक्स्ट चीज़ होगी जो कि होगा हमारा कलेक्शन सिस्टम, राइट। सारा का सारा सामान जो होगा जब भी कोई शीप आएगी इसके अंदर तो उसको कहीं तो जाना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले इसमें कलेक्शन सिस्टम बनाएंगे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर से नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर से हम लोगों को कितना एटलीस्ट दो या कितना एक और नीचे चलते हैं, ठीक है, रुको जरा चेक करता हूँ एक बारी। हम लोग यहाँ पर से सामान नीचे जाएगा, उसके बाद हम लोगों को एक हॉपर लगाना पड़ेगा, एक माइनकार्ट विद हॉपर लगाना पड़ेगा, उसके नीचे एक हॉपर लगाना पड़ेगा, सामने एक चेस्ट होगा, फिर उस चेस्ट से भी सामान जाएगा, फिर एक कन्वेयर बेल्ट पे। भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बट ये इतना प्यारा लगेगा ना इन दी एंड। एक काम करते हैं हम लोग अपने हिसाब से चार की एटलीस्ट जगह छोड़ के चलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोगों को इस डायरेक्शन में चलना है, कितना होगा 4 3 4 4 जै 16, ठीक है, 4 3 जै 12, फिर एक एक सबके बीच में 7 15, हाँ 15 के आसपास हम लोगों को चलना है। तो 1 2 3 4, चलो ठीक है। तो अपने पास आ चुका है सारा का सारा सामान, अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, राइट, हाँ इससे हम लोग बाहर जा सकते हैं। अब हम लोगों को बस यहाँ से खोदते हुए सीधे जाना है और हम लोगों को वो वाला एरिया ढूंढना है उस साइड का। अब मेरे को 2 मिनट दो, मैं आता हूँ आराम से, ठीक है ना, तुम 2 मिनट दो मेरे को, मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ गाइस, घूम फिर के, ठीक है। बहुत इसको हम लोगों को पूरा यहाँ से जितना ये बीच में दिख रहा है ना ये पूरा एरिया साफ करना है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं फटाफट से होके आता हूँ 2 मिनट के अंदर। देखो मैंने ये पूरा का पूरा नीचे कर दिया, अभी मैंने इसकी जमीन नहीं बनाई। वो क्यों नहीं बनाई वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा कलेक्शन सिस्टम, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग जमीन बना पाएंगे। वो क्यों वो भी मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखो पहले हम लोग कलेक्शन सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। देखो बेसिकली ये होने वाला है यहाँ पर से सबसे नीचे, तो पहले हॉपर माइनकार्ट विद हॉपर आएगा, फिर उसके नीचे हॉपर आएगा, राइट, और उसके बाद यहाँ पर चेस्ट आएगा। देखो मैं बताता हूँ एक बारी, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो ऐसे तो ये ऐसा आएगा, मैंने ज़्यादा ही नीचे तक का खोद दिया भाई, और उसके चक्कर में कि इतना लंबा खोदना पड़ेगा, मैंने वहाँ पे भाई बीकन वीकन सब सेटअप कर दिया, और लास्ट में ये देखो हरकत है भाई। चलो कोई नहीं, वैसे भी हम लोगों को चाहिए था नीचे का एरिया, चाहिए था। वो क्यों चाहिए था वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, जब हमें पूरा कन्वेयर बेल्ट ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी ना, तब तुम बोलोगे कि वाह वाह अंशु भाई वाह, तुम्हारा दिमाग तो मान गया भाई। ऐसे बस अब मेरे को 2 सेकंड दो, पहले मैं अबे ये क्या हो रहा है भाई। चलो अब मैं फटाफट से जाके पहले लेके आता हूँ हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी। हम लोगों को सबसे पहले तो चाहिए होगा ढेर सारे माइनकार्ट विद हॉपर्स, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक जगह पे माइनकार्ट विद हॉपर्स लगने वाले हैं, तो हमें 16 तो एटलीस्ट चाहिए ही होंगे। तो 16 गिन के रख लेते हैं एकदम अपने पास। तो गाइस देखो ये हॉपर जो माइनकार्ट है ना वो खिसके नहीं, इसलिए मैं इसका ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इन केस ये माइनकार्ट यहाँ से हॉपर विद माइनकार्ट खिसकनी नहीं चाहिए, राइट। तो इसको मैं ऐसे करके लगा रहा हूँ। अब देखो जो भी सामान आएगा वो हॉपर विद माइनकार्ट में जाएगा और उसके बाद सीधे यहाँ से नीचे अंदर, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक हॉपर जो है वो 2 से 3 का सामान लेगा, बट फिर वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसकी वजह से मेरे को लाइक उसमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। तो एक बार टेस्ट करते हैं,
मैं ऊपर से कुछ गिरा के देखता हूँ, अगर ये परफेक्ट जगह पे लगा होगा तो फिर हम लोगों को बाकी लगाने में ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं होगी। तो हमने इस वाली का लगा रखा है अभी के लिए, देखते हैं। मैं इसमें एक रेल गिरा रहा हूँ, ठीक है, ये गया अंदर, चले तो जा रहे हैं तो होपफुली आ भी जाना चाहिए। लाइक हॉपर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है वैसे। यस, आगे रेल, ठीक है, चलो ये रेल बन गई अपनी मस्त करके, इसको तोड़ देते हैं। अब ऐसी करके हम लोगों को ये कलेक्शन सिस्टम हर एक उसके नीचे लगाना है, लाइक हर एक जितने भी हमारे ये बने हुए ना 16 के 16 इसके नीचे लगाना है। तो मिलते हैं दोबारा 2 मिनट में, बस दो मिनट में बन जा रहा है सब, दो मिनट में। देखो इसको पूरा का पूरा क्लीन कर दिया और मैं बाकी का सारा सामान लेके आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले ना, जितना भी इसके अंदर सामान आएगा सीधी सी बात है कि वो सामान अभी के लिए इसी के अंदर रहेगा, राइट। लेकिन हमें कैसे चाहिए, हमें ये जितना भी सामान है ये हम लोगों को एक जगह पे चाहिए, वरना अभी के लिए क्या होगा बार बार मुझे नीचे आना पड़ेगा, फिर मैं इन सब चेस्टों से निकालूंगा, जो कि बहुत ज्यादा, लाइक ऐसा नहीं बहुत ज्यादा काम हो जाता है, बट फिर भी मतलब हो तो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो मैंने ये जगह देख ली है, ठीक है, ये हम लोग का एक तरह से जो फैक्ट्री का एंड है ना वो होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहां पर मान लो हम लोगों का अगर सारा का सारा सामान आ जाता है ऊपर, ठीक है, यहां से हम लोगों का सारा सामान ऊपर आ जाता है ना, तो हम लोग यहां पर थोड़ा बहुत सॉर्टर का बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, देखो मैं यहां पर एक वो लगा तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए होगा एक, अरे यार मैंने ड्रॉपर नहीं बनाया, बस यार सब कुछ बनाया, रुको जरा। ड्रॉपर बनता कैसे था, शायद से ड्रॉपर के लिए वो नहीं चाहिए होगा ना हम लोगों को, रुको जरा चेक कर लेते हैं एक बारी। ड्रॉपर, ये रहा ड्रॉपर, अच्छा ड्रॉपर तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। हाँ ड्रॉपर के लिए बस एक बो नहीं चाहिए होती है, बस इतना ही फर्क होता है ड्रॉपर और डिस्पेंसर में। चलो फटाफट से चलते हैं, हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली बस एक ड्रॉपर लगाना है, ठीक है। ये ड्रॉपर जो होगा ये सामान को ऊपर को फेंकेगा, वो तुम लोगों को क्यों अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। देयर वी गो, इसको पूरा का पूरा लेके आते हैं यहाँ से, बस इतना, और फिर यहाँ से हम लोग अभी देखो इस पूरे के पूरे को, मतलब पूरा का पूरा एक तरह से कनेक्टेड होना चाहिए, तुम समझ रहे हो, हर एक चेस्ट से इसी के अंदर सामान आना चाहिए। कहने का मतलब है कि इन दी एंड सारा सामान घुमा फिरा के ड्रॉपर के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, सेम हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे, बीच से भी एक लाइन आ जाएगी, जिससे क्या होगा जितना भी सामान है वो एक चेस्ट के अंदर आ जाएगा, फिर हम लोग वहाँ से उसको सॉर्टिंग करवा सकते हैं। बेसिकली जैसे एक आइटम सॉर्टर बनता है ना वैसे वाला काम, बट थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। तो चलो इसको पूरा का पूरा यहाँ से खींचते हुए चलते हैं। देयर वी गो भाई, रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, एक तो रात के नशे है भाई, अभी लिटरली 2 बज रहे हैं रात के, तो रात के नशे में रहते भाई तो दिक्कत ही हो जाएगी सीधी सीधी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से बना, मुझे पता था रे इस बार ही, मेरे को पता था कि इसका टाइम बहुत ज़्यादा लगने ही वाला है, तो मैं इस बार एकदम ब्रेन रेडी था। इस बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को लगा कि मैं जल्दी बना लूँगा बट फिर बहुत लेट हो गया, तो इस बार ही मैं पूरा रेडी आया था, मेरे को पता था कि इसमें टाइम लगना ही है, कुछ कर लो, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों का हो गया, अब ये जितना भी सामान है देखो ड्रॉपर के अंदर खुद से जा रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है ना, बेसिकली इस ड्रॉपर को ऐसा बनाना है कि जो भी सामान इसके अंदर आ रहा है वो ये ड्रॉपर खुद से थूक दे बाहर, ठीक है, मतलब थूक दे इन द सेंस कि ऊपर को थूक दे। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस एरिया को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इधर को जाना पड़ेगा हम लोगों को, इसको हटाते हैं, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को बाहर को एक कंपैरेटर निकालना है और इस ज़मीन को भर देते हैं बस, ठीक है। बाहर को हम लोगों को एक कंपैरेटर निकालना है, कंपैरेटर के साथ हम लोगों को लगाना है एक स्टिकी पिस्टन ऐसे, वो इसके अंदर सामान है ना पहले से, ओके माय बैड, ठीक है। तो देखो कंपैरेटर का हम लोग ऐसे कर देंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक ऑब्जर्वर लगाना है यहाँ पर ऐसे फेस करके, ठीक है, अंदर, मतलब कहने का मतलब हमको देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर। अब एक ऑब्जर्वर इससे उल्टा, मतलब कि इधर को फेस, हमें बाहर कैसे, मेरे को बंद कर दिया, ठीक है, एक ऑब्जर्वर बाहर को फेस करते हुए, और फिर इन दी एंड हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा रेडस्टोन लेना है और इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ना वो जो ऑब्जर्वर था वो उल्टा लगा दिया था, हम लोगों को ऑब्जर्वर बेसिकली उस साइड को फेस करते हुए लगाना है। अब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और अब ये एक बार कनेक्ट हो चुके, पहले तो इसको बंद ही करना है मैंने, तो इसको हम लोग पूरा का पूरा लाइक बंद ही कर देते हैं। कॉबल स्टोन कहाँ है मेरा, ठीक है, हम लोग इसको पूरा यहाँ से ऐसे करके ये जो एरिया है इसको पूरा का पूरा ढक देते हैं। अब देखो जब इसके अंदर सामान आएगा तो क्या होगा, देख रहे हो, ये जितना भी सामान होगा वो खुद से थूक देगा बाहर को, लाइक ये रखेगा नहीं अपने पास, तो इसको हम लोग पूरा का पूरा इस साइड से तो ऐसे करके बंद कर देंगे, ठीक है। हम लोगों को ये वाला एरिया जो है ये चाहिए नहीं, बट हाँ यहाँ से इसके थोड़ा पास से ही हम लोग अपना आने जाने का रास्ता बनाएंगे, क्योंकि कभी
ओके मेरे को डर लग गया भाई क्या हुआ करके, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कभी ना कभी हम लोगों को यहाँ पर सिस्टम रिपेयरिंग के लिए इन सब चीज़ों के लिए आना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर से एक साइड से रास्ता ज़रूर बनाएंगे अपने लिए, जो कि होगा यहाँ पर कोने से, ठीक है। वो हम लोग बाद में देख लेंगे, मतलब एकदम कोने से रखूँगा मैं बेसिकली रास्ते को, ताकि हम लोग कभी भी यहाँ पर से आके ऐसे रिपेयर का काम करना हुआ तो वो कर पाएंगे, कि तुम्हें तो पता ही है कि हैंडीमैन तो हुई मैं भाई, मैं भाई सब कर देता हूँ, मैं तो भाई सारा काम भाई। बताओ यार तुम भाई पे शक कर रहे हो। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये कांच लेके आए हुए थे ना, इस कांच का हम लोगों को यूज़ करना है, और इस कांच से हम लोगों को बनाना है ऊपर को पूरा का पूरा बिल्ड करते हुए। एक्चुअली नीचे हमें कांच की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, यहाँ पर तो हम लोग प्रॉपर कोई स्टोन भी यूज़ कर सकते, जैसे कि ये वाला स्टोन हम लोग यूज़ कर सकते, बस बेसिकली नीचे का दिखे ना बाहर, ये चाहिए मेरे को, तो बस बाहर तक का हम ऐसा बना देते। तुम्हें पता है अभी क्या होने वाला था, अभी खाली ये टूटने नहीं वाला था, अभी खाली ये टूटता नहीं, मैं घर से भी निकलता अपने, तुम समझ रहे हो। अब आ जाओ, आ जा, ओए छोड़ू, आ जा आ जा, फोड़ के गया भाई, इतना गंदा आदमी ना भगवान कसम, भगवान कुत्ते पे भरोसा कर लो, क्रीपर पे भरोसा मत करना कभी भी भाई, साफ बता रहा हूँ भाई, कुत्ते पे भरोसा कर लो, क्रीपर पे भरोसा मत करना भाई। एक मिनट, भाई कुत्ते पे क्या भरोसा कर लो भाई, कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई चीज़ होती है क्या, कुछ भी भाई हट। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस बेसिकली इसको पूरा का पूरा ऐसे ढक, एक बार टेस्ट कर लेते हैं ख़राब ना हुआ कुछ, बस ठीक है ये काम कर रहा है ना। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसको जी यार पूरा फाड़ के चले गया भाई वो हमारा बेस, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे करके बना देना है, और उसके बाद इसको पूरा का पूरा हम लोग ढक। अबे भाई साहब ये क्रीपर ना भगवान कसम, चीज़ें बनती बाद में है, ये फोड़ने पहले आ जाते हैं भाई, चोर कहीं के, एक नंबर के चोर आदमी है भाई क्रीपर, मजाक से, मैं मजाक नहीं कर रहा सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को भाई, एकदम ही चोर होते ना, चोर जैसे लोग भाई, वो है क्रीपर भाई, गंदे लोग भाई, गंदे एकदम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर से ऐसे रख देते हैं अभी के लिए, देखो अभी के लिए मैं जो आइटम सॉर्टर वाली चीज़ बनाने वाला था वो मैं अभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात ऑलरेडी हो चुकी है अभी के लिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, बट ठीक है ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी इसको पहले तो ऐसे करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ तक का बिल्ड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे पानी, कुत्ते की हड्डी कैसे है मेरे पास भाई। अब ये पानी जितना भी है ये हॉपर के अंदर सारे सामान को भेज देगा, बट अभी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब हमें क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पर हम पूरा का पूरा कैल्प लगा देंगे, ठीक है, और इसको मैं अभी तोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं गधा हूँ और मैं सोल सैंड लाना भूल गया। तो गाइस देखो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब जितना भी सामान होगा वो खुद से इस हॉपर के अंदर आ जाएगा, जो कि बहुत गलत लगा हुआ है, बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, अभी के लिए मैं यहाँ पर प्रॉपरली लाइक ऐसे चेस्ट लगाने वाला हूँ, जिससे हम लोगों को सारा का सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे करके इन चेस्टों को लगाने वाला हूँ, ठीक है, देयर वी गो। अभी हम लोगों ने वैसे कायदे से जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ही नहीं करी है बस, और बाकी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, बट ठीक है। तो गाइज देखो अब इसको एक बार ही टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हॉपर यहाँ पे फेंकेंगे, लेट्स सी, ठीक है, अगर वो यहाँ पर आता है हॉपर तो ये काम करेगा, जो कि नहीं आ रहा है। ओ आया, आया हॉपर, आया हॉपर, आया, देखा ना हॉपर आया ना, रुको जरा एक बार सारे टेस्ट करते हैं, ठीक है, यहां से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। देखो फर्स्ट लेन तो अच्छे से काम कर रही है, तीन हॉपर आने ही चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे यार रेडस्टोन लगाना पड़ेगा बस, देयर वी गो, ये देखो आया एक और हॉपर, यस तीनों हॉपर आए, तो इसका मतलब ये तीनों काम कर रहे हैं। अब जो भी सामान इसके अंदर आएगा वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ मिल जाएगा, बस अब एक दिक्कत है कि ये सॉर्ट नहीं कर रहा है, समझ लो ये अभी के लिए क्या करेगा, जितना भी बल्क में है ना सारा का सारा हम लोगों को दे देगा। तो मैंने अभी सोचा भाई यार रात के दो ऑलरेडी बज चुके मेरे को, ऑलमोस्ट नहीं भी तो तीन से चार घंटे इसको बनाते हो चुके, जबकि ये बहुत ईजी सा था, बट यार सारी चीज़ें जमा करना, सारे कलर्स को लाना, उसके बाद सारे सिस्टम्स को बनाना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बाहर का भी बना दूँ। तो अभी के लिए हम लोग सॉर्टर नहीं बनाने वाले, अभी हम लोग इसको एटलीस्ट फ्रेम करेंगे, ये हमारा मेंटेनेंस रूम में जाने का रास्ता हो जाएगा, ठीक है, मस्त करके हमें जब भी अगर बाय चांस खराब होता है तो हम लोग यहाँ पर जाके पूरा काम कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है वो वाली चीज़, अब हमें इसको पूरा का पूरा लाइक ढकना है,
ठीक है, ढंग से इसको पूरा का पूरा हम लोगों को बंद करना है। खास करके यहाँ पर हम लोगों को एक वॉल टाइप की बनानी पड़ेगी, जिससे हम लोग लाइक ये वाला सिस्टम हमें ना दिखे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा वरना, लाइक पूरी की पूरी फैक्ट्री में एक लौता ये ऐसा अजीब सा दिखेगा। हाँ, ये ऐसे करके होंगे ज़रूर जहाँ पर हम देख सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन चीज़ हम लोग अभी लेके नहीं आए, जो कि हमारी शीप, ठीक है, शीप ही नहीं लाए और बोल रहे हैं सब हो गया, बन गया जी फार्म बन गया, शीप ही नहीं है फार्म के अंदर, शीप ही नहीं है अभी तक। गाइस देखो, ये पूरा का पूरा काम हो चुका है, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बारी बारी सारी की सारी शीप्स को लेके आना है, क्योंकि सीधी सी बात है लाइक पूरा काम जो है वो हो चुका है, अब बस इनका आना बचता है। ठीक है, तो मैं बारी बारी एक एक शीप को लेके आने वाला हूँ यहाँ पर से। आई होप ये आ जाए इज्जत से, प्लीज़, बाकी कोई मत आना, थैंक यू, आ जाओ बेटी, चलो गाइस आ जाओ, बारी बारी इन सबको हम लोगों को लेके आना है, यहाँ पर चढ़ाना है। रुको जरा, मेरे अगर एक हाथ में वीट होता ना थोड़ा सा इजी हो जाता। रुको, मेरे पास वीट होना चाहिए कहीं तो, प्लीज़, देखो ठीक है, तो अगर मेरे हाथ में वीट होगा ना तो ये थोड़ा सा इजीली चढ़ेंगे। ठीक है, आ जा, बस बस बस, आ जा शिपू, गिर जा, चलना यार ब्रो, चलना, आना, गिर जा अंदर, अरे नीचे नहीं यार, अंदर आ यार, बस आजा। अरे भाई ये तो अंदर ही जाने को तैयार नहीं है भाई। और एक और चीज भाई, हम लोगों को ना येलो डाई भी रेडी रखना पड़ेगा अपने हाथ पे, ठीक है ना। हम लोग चांसेस नहीं ले सकते, बाई चांस अगर कुछ हो गया तो, लाइक अगर ये लोग एकदम से वो कर देंगे ना, लाइक तुम समझ रहे हो ना, अगर बाई चांस एकदम से उसके ऊपर वो शेयर चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे चलेगा नहीं जब तक वो घास नहीं खाएगी, बट स्टिल चांस नहीं ले सकते, अपने पास चांस लेने लायक वो नहीं है। चलना प्लीज ना यार, घुसना अंदर, घुस क्यों रहे अंदर, चलना शिपुड़े, चल बेटी चल, घास खा ले, प्लीज घास खा ले, एक बार घास खा के दिखा दे प्लीज भाई, इज्जत से एक बार प्यार से घास खा ले मेरा बच्चा। यस लेट्स गो गाइस, हम लोग कुछ नहीं करना था, एक बार इसने घास खाया एंड अपना शेयर इसके अंदर है और अपना सारा का सारा सामान आ जाएगा इस वाले के अंदर। आई होप ये काम कर रहे, ठीक है ना। यप सर, देयर वी गो, आ गया गाइस, आ गया, ये काम तो कर रहा है। मुझे बस बारी बारी यहाँ सारी की सारी शीप्स को लेके आना पड़ेगा और इसके अंदर डालना पड़ेगा, लेट्स गो। इससे ज़्यादा आसान तो कुछ काम ही नहीं है दुनिया में। अबे ये कहाँ आ गया मैं अंदर, हटियो थोड़ा शीपू। चलो गाइस अगली शीप को लेके चलते हैं, आ रही है ना, हाँ बढ़िया, ठीक है। अगली शीप को हम लोग देने वाले हैं पर्पल कलर, तो हमारे पास पर्पल डाई आ चुकी है। आ जा बेटी, आ जा अपनी दीदी से थोड़ा आराम से जाइए, ठीक है। लास्ट टाइम तेरी दीदी ने जितना परेशान करा ना मुझे, तेरी येलो, अरे भाई साहब आए क्यूटी पाई, ये ले ठीक है, मस्त करके आराम से यहाँ पर पर्पल हो ले। अब गाइस ये जब खाएगी तो सीधी सी बात है वो शेयर जो है वो चल जाएगा। प्लीज एक बार दिखा दे जमीन पे, ठीक है, मिट्टी खा के, मिट्टी नहीं मतलब मिट्टी खिलाऊंगा क्या, ग्रास खा के एक बार दिखा दे प्लीज, ठीक है। एक लीड आई है, दूसरी क्यों नहीं आई, खराब हो गया क्या? अरे अभी तो पूरा सही भी नहीं हुआ था, एक लीड और होनी चाहिए ना इसकी वाली या किसी की, तो होनी चाहिए, एक ही है मेरे पास। चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी है जैसे भी है काम तो कर रहा है एटलीस्ट। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, मिट्टी निकालो, अरे बेटी बाहर आ जाओ जल्दी से, भाई ये बस जल्दी जल्दी जैसे आ रही है ना इज्जत से ऐसी आती रहे भाई, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए भाई। जितना फास्ट गई है ना वो वाली अंदर, बस ये वाली भी उतनी तेजी से चले जाए फिर अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये कलर कौन सा है, सियान है राइट, हाँ सियान कलर है। आजा मेरी बिल्लोरी, आ चटोरी बिल्लोरी, हाय कितनी प्यारी बकरी, अरे रुक जा, अरे जस्ट इन टाइम गाइस, जस्ट इन टाइम, वरना ये अभी सफ़ेद हो जाती प्रॉपरली। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, प्लीज आ जा, पर्पल वूल आ गया है, लीड नहीं आ रही है, आ गई, और सियान वूल भी आ गया, लेट्स गो। भाई ये परफेक्ट काम कर रहा है, अब बस मेरे को सारे के सारे में शीप्स भरनी है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, फटफट सारे के अंदर शीप भर के और पूरा का पूरा लाइक फैक्ट्री को बंद करके मैं मिलता हूँ तुम लोगों से। एक घंटा कम से कम लगेगा, बट दो मिनट। फाइनली 16 के 16 कलर यहाँ पर आ चुके हैं, इसका मतलब जितने भी हमारे स्टेशन है वो सारे के सारे प्रॉपरली अब काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी स्टेशन दिख रहे हैं तो मैं पिंक से लेके सब कुछ ये सारे के सारे अब
ढंग से काम कर रहे हो और सारा जितना भी सामान है ना वो फाइनली खुद से यहाँ पर आ रहा है, तुम समझ रहे हो। लाइक मेरे को वैसे सच्ची बताओ ना, मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोगों को सही में वैसे लाइक सॉर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत है यहाँ पर, बट वैसे बना देंगे तो बढ़िया ही है, अपने लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बट अभी के लिए तो यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नाइट हो चुकी है और मेरे को सच्ची में लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम मेरे को लग जाएगा इसको बनाने में जितना कि लग गया। भाई मैं एकदम प्रिपेयर होकर आया हुआ था दिमाग में कि मुझे पता है बहुत टाइम लगने वाला है, बट थोड़ा बहुत से भी ना थोड़ा सा आगे को ही चले गया टाइम। यार हमेशा जितना जितना रेडी होके आओ कि आज इतना समय जाएगा कोई बात नहीं फिर होगा, और उसके आगे और टाइम लगेगा। भाई लगना ही लगना है, गारंटीड। भाई मेरे साथ तो है ये चीज़, भाई पता नहीं तुम लोगों के साथ होता नहीं होता है बट ये चीज़ मेरे साथ तो है भाई, और मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन ये जो कलर्स है ना भाई, इसको देख के तब लाइक अंदर बकरियां मत देखो, वो बेचारी सिबोल है यार, नंगुड़ी पुतड़ी हो रखी है। बट वैसे देखा जाए तो लाइक दिखने भाई ये दिखने का बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है ये हो गया, यहाँ पर हम लोग इसको लाइक एंड में एक मेरे पास है भी नहीं है, रुको बना देते हैं हम लोग, बस एक वो कर देते हैं इसमें एक ट्रैप डोर लगा देते हैं ऐसे। ठीक है ये हमारा मेंटेनेंस वाला एरिया हो जाएगा जहाँ पर हम मेंटेनेंस के लिए जाएंगे नीचे मस्त करके, जाके पूरा का पूरा निकल यहाँ से निकल। चोर कहीं का पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भाई ये लोग, छुप के बैठ जाएंगे हर जगह भाई हर जगह एक। ओए अभी टूट गया था। ठीक है ये देखो ये मस्त हो गया अपना। ठीक है हम लोग यहाँ पर आके पूरा का पूरा लाइक कुछ भी कोई भी सिस्टम खराब है सही है हम लोग पूरा एरिया देख रहे हो जाँच पड़ताल कर सकते हैं। एक मिनट यार यहाँ से ये क्या हो रखा है इसको बंद करो। चलो ठीक है तो यहाँ से हम पूरे का पूरा एरिया पे प्रॉपरली ऐसे जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है हमारी मर्जी है, और लास्ट में फिर यहाँ पर भी ऐसे करके लगाते ताकि हम यहाँ से भी निकल सकें। बस जैसे ही हमारा पूरा काम हो गया, नीचे लाइट्स की और ज़रूरत है वो तो मैं लगा दूंगा, खैर उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट यस अभी के लिए ये पूरा का पूरा देख रहे हो जो अपना सिस्टम है ना वो रेडी हो चुका है और सामान भी यहाँ पर आ रहा है। अब हम लोगों को बस एक चीज़ करनी है छोटी सी, वो होगी हम लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर वॉल उठानी है। रुको ज़रा मैं ढेर सारा सामान लेके चलता हूँ। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग पूरा ऐसे ढक देंगे वॉल से। ठीक है यहाँ से, और सेम चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पर से भी, यहाँ पर से भी इसको पूरा का पूरा ऐसे वॉल से ढक देंगे ताकि दिखे ना बेसिकली कि यहाँ पर पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि ये ना बहुत अजीब सा दिख रहा है। लाइक कांच वाला मैंने रखा सिस्टम इसलिए था ताकि हमें दिख जाए, बट वो फिर दिखने का गंदा लग रहा है, मेंटेनेंस में काम आ जाएगा। लाइक काम कर रहा नहीं कर रहा है, अगर कभी ख़राब हो गया तो वो देखने में थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट वैसे ये बड़ा गंदा सा दिख रहा है दिखने का सही बताऊँ तो। तो गाइस फाइनली पूरा का पूरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया है, मजाक नहीं, और मेरे को ऐसी नींद आ रही है ना खतरनाक वाली। बट आई एम हैप्पी क्योंकि जैसा मैंने ख़त्म करा ना भाई वो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल और क्रेजी ख़त्म हुआ। लाइक मेरे को सच्ची में अभी आँखें बंद होने को तैयार हो रही है, और मैंने शायद से लाइट देख रहा हूँ, मैं देर से काम करे जा रहा था लाइक ऑफ रिकॉर्डिंग कि मैंने लाइट भी ऑन नहीं करी। रुको जा रहा है गाइस फाइनली I'm going to reveal the building in 3, 2, 1. Let's go! ये रहा हमारा वूली! Let's go, guys! बहुत ज़्यादा प्यारा। Like, मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मैं पहले खाली लाइक कुछ लिखने नहीं वाला था, कुछ नहीं करने वाला था, फिर मैंने सोचा यार क्यों ना वूल लिख देते हैं, फिर मेरे से वूल टेढ़ा लिख गया क्योंकि वो सीधा नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे को सीधा लिखना था बट वो टेढ़ा लिख गया वूल, और फिर जब मैंने वो देखा कितना प्यारा लग रहा है वो वूल टेढ़ा लिखा हुआ, फिर मैंने सारे के सारे टेढ़े लिखे, और एक बार देखो ये वूली लिखा हुआ कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मैंने पता क्या करना चाहिए, मेरे को एक और आइडिया आ रहा है, रुको जरा एक सेकंड दो मेरे को ना एक आइडिया आ रहा है तगड़ा वाला भाई, इसको देख के कि मेरे को इसमें एक हल्का सा चेंज हो सकता है। रुको करते हैं इसको चेंज को। अभी हम लोगों को क्या करना है ना, बस ये जो वूल है इधर से भी तोड़ देते हैं। ठीक है इसको बस हमने कायदे से एक नीचे करना है, तो हम लोग नीचे गिर जाते हैं। अरे इतना ज़्यादा नहीं यार, बाय गॉड कह रहा थोड़ा सा गिरना था, इतना ज़्यादा गिर गया कोई बात नहीं। नीचे से यहाँ से इसको करते हैं भाई, मेरे कान का कोई तो मच्छर भी बिन बिन आ रहा है भाई, उसको लग रहा है मैं सोया हुआ हूँ। अभी इसके कान के नीचे मारता हूँ, रुको ज़रा मच्छर के कान के नीचे मारूँगा तुम देखो बस। ठीक है देर वी गो, अब देखो ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। देखो वूली आड़ा टेढ़ा हो गया ना ऐसे, ओ नीचे आ गया, ओ ऐसे ऊपर आ गया, फिर वूली। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यही चीज़ सोचा था पहले इसमें कुछ नहीं लिखूँ कुछ सब सही हो, बट ये अब इतना ज़्यादा कूल लग रहा है ना उसकी वजह से ऐसा वूली टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ कि बिल्डिंग लग रही है हाँ इसमें कुछ क्रेजी सा कुछ मज़ेदार सा है करके, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मस्त लगी। अभी चलो अंदर चलते एक बार फटाफट से,
और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, टूर देता हूँ। तो यहाँ मैंने पूरा नीचे लाइक एंड ब्रिक्स लगा दिए, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर तुम लोग अंदर आओगे तो तुम्हें पूरा का पूरा लाइक ये देखने को मिल जाएगा, जो ये पूरा काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये बेसिकली हम लोग यहाँ से सही भी कर सकते हैं अगर जस्ट इन केस टूट गया कुछ तो। और बाकी यहाँ तुम पूरा घूम सकते हो, लाइक तुम्हें जहाँ भी जाना है, जो भी जाना है। फिर तुम लोग इधर आओगे तो ये देखो, एक बार यहाँ देख रहे हो स्टैक का स्टैक जमा हो चुका है भाई, लिटरली आने में भाई। ऑरेंज बोल तो भाई, ऑरेंज वाली तो पता नहीं खाई जा रही है भाई, इसका रुक ही नहीं रहा है पेट। सबसे ज़्यादा तो ऑरेंज ही है भाई, ये देख रहे हो तुम भाई साहब। बाकी यहाँ पर आएंगे हम लोग तो ये मेंटेनेंस रूम हो गया हम लोगों का। यहाँ पर हम लोग ऐसे आराम से आके कुछ भी अगर ख़राब वराब हुआ तो वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर अगर मेंटेनेंस के लिए जाना है तो हम लोग पूरा नीचे जा सकते हैं, जहाँ पर मैंने लाइट नहीं लगाई है, माई बैड। यहाँ पर एक लाइट लगा देते हैं, एक बार हाथ से हटाऊँ लाइट तो। हाँ अभी सही है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे नीचे भी, वैसे मैंने लाइट लगाई नहीं है ज़्यादा, बट ठीक है। मतलब अगर कुछ ख़राब वराब होता है तो हम लोग यहाँ पर आके सब कुछ सही कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी ऊपर तो पूरी प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग हो चुकी है। बाकी एंट्रेंस अभी के लिए ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे को तो सही बता रहा हूँ, इसका बाहर से तो लुक कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल बना दिया मैंने, मजाक से हट के। बाकी अंदर तो है ही कूल भाई, और बाकी ये वूल तो क्या ही देख रहे हो तुम। हमारे पास कौन से कलर का वूल अब नहीं है, तुम देखो भाई, मैक्स सब कुछ एकदम देख रहे हो, स्टैक के स्टैक जमा हो चुका है। लिटरली ग्रीन वाला, ऑरेंज वाला, ब्राउन और पर्पल तो लिटरली स्टैक होने के बाद जमा होना स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त है मेरे हिसाब से। अभी मैं भी चले जाता भाई, मेरे ऊपर भी शेयर करके मेरे भी बाल पहाड़ देते भाई ये लोग। थोड़ा बाहर से चलते, बाहर से देखते आराम से, देखो कितनी प्यारी लग रही है बिल्डिंग भाई। इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार, अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं करा ना भाई, लाइक वाला बटन दबाओ भाई, 100 के लाइक दिखाओ भाई को यार। तो गाइज यार ये थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक वाला बटन दबाए बिना कहीं मत जाना। और बाकी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज यार, 4 मिलियन जस्ट होने वाले, थोड़े से और बचते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। आई थिंक 1,60,000 के आसपास और बचते हैं, तो प्लीज़ यार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब मारो, जल्दी से 4 मिलियन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट क्या बनाए हम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मैं तो जा रहा हूँ सीधे सोने के लिए भाई, इसको सुबह उठ के आराम से एडिट करूंगा, दिन के 2 बजे तुमको वीडियो दे दूंगा, मेरे को आ रही नींद। बाय बाय।